जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। अपना मेहर बाबा खुद गॉड स्पीक्स के बारे में क्या कहते हैं वो बताएंगे और फिर अपना चालू करेंगे लेक्चर एज यूजुअल। मिस्टर जेरी करके एक शांतिवादी थे वियतनाम वार के अंदर में, और वो शायद मिलिट्री में भी थे, उन्होंने वहाँ पे वॉर में भाग भी लिया। और वो ये चाहते थे कि भाई ये जो फाइटिंग जो है वियतनाम में जो चल रही है उसके वो अगेंस्ट में थे, शांतिवादी थे। और उन्होंने बाबा से करस्पॉन्डेंस, ये वो बाबा के साथ में जुड़े हुए थे और वियतनाम वार के अंदर में उनको काफ़ी चोट लगी और बाद में वहाँ से निकले, अमेरिका गए। एक्चुअली वो अमेरिका के नहीं थे, अमेरिका ट्रांसफ़र हो गए, वो उसकी बीबी शायद दोनों भी, और काफ़ी कठिन परिस्थिति में। अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी ये है, कॉस्टली है। तो बाबा से करस्पॉन्डेंस करते करते बाबा उनको ये कहते हैं कि देखो, यू मस्ट ट्राई टू सी मी एज आई एम। उनको बोलते हैं कि जैसे मैं हूँ जिस चीज़ में, उसको आपको मुझे देखना चाहिए, वो आपने हासिल करना चाहिए। एज आई एम, जैसे मैं हूँ, ये मेरा शरीर मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, और आई एम नॉट जस्ट दिस फिजिकल बॉडी, बाबा उसे कहते हैं। और फिर उसको फिर कहते हैं कि आपने गॉड स्पीक्स पढ़ी है, फिर आए उसी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क, यू शुड रीड इट अगेन एंड अगेन, बोलते हैं आप उसको बार बार उसको पढ़ना है ऑल आउट, शुरू से लेकर आखिरी तक, पहले इसमें से पहले पेपर से आखिरी पेपर तक। बाबा एडवाइस हिम। एक और एक बाबा प्रेमी थे जिनकी जस्ट 4-6 महीने शायद, दिस इज 1969 की बात है, जनवरी 1969, और 31 जनवरी को बाबा ने बॉडी ड्रॉप की। तो उसकी पूरी कहानी मुझे नहीं बताता आखिरी में। तो उन्होंने एक लेटर लिखा मेहर बाबा के नाम से, उनको अता पता कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट जमा होगा, उन्होंने नाम सुना उसने, तो उसने एक लेटर लिखा, उसके ऊपर लिखा मेहर बाबा इंडिया, बाकी कुछ नहीं। उसने अमेरिका से उसको ड्रॉप किया 23 दिसंबर या 24 दिसंबर होगा 1968, और फर्स्ट वीक में वो मेहराबाद पहुंच गया, बाबा के पास में पहुंच गया। बाबा उस वक्त में बाबा किसी से मिलते भी नहीं थे, तो बाबा ने वो लास्ट लेटर था इस अवतार की इस मिनिस्ट्री के अंदर में, लास्ट लेटर था जो बाबा ने बाबा को पढ़ा के बताया गया। तो 8 या 10 जनवरी 1969 की बात है। तो बाबा ने उसको एडवाइस किया, लेटर लिखा उसको बाकायदा, और उसको बोला कि आप गॉड स्पीक्स पढ़ा करो। आखिरी का जो लेटर था उसमें लास्ट क्या था, गॉड स्पीक्स पढ़ो आप, उसको बता रहे कि क्या क्या करने का है। और कुछ लोग जब भी आते थे तभी बाबा को बोलते कि बाबा हमने तो इसको कई बार पढ़ा, पर एक्चुअली हमको तो कुछ समझा नहीं, पर हम पढ़ते हैं, आपने बोला तो हम पढ़ रहे। बाबा बोलते वेरी गुड, अच्छा किया। फिर बाबा बोलते कि इसके आगे में, फिर बोलते कि हमको तो ट्रुथ जो सत्य है, रियलिटी जो है वो हमको जानना है कि व्हाट इज दैट ट्रुथ, तो प्लीज़ इंस्ट्रक्ट मी हाउ टू रियलाइज द ट्रुथ। वो आदमी कहता है कि मुझे ये बताओ कि वो सत्य जो है उसको कैसे रियलाइज़ करें। तो बाबा बोलते डजेंट मैटर, मैं आपको बताता हूँ कि आप लव गॉड, गॉड स्पीक्स हमको परमात्मा की खोज करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, भले ही वो हमको समझे नहीं समझे जो भी है, पर बाबा का ये कहना था कि आप उसको पढ़ते रहिए। एलन कोहन करके है, बाबा के प्रेमी थे वो, इनिशियल मुझे मालूम नहीं, बट आई थिंक इट इज़ एलन कोहन। वो शायद यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में जब भी थे, कॉलेजेस में जब भी थे, तभी की ये बात है। तो बाबा उसे कहते कि मैं उस वक्त में अमेरिका के अंदर में वो ड्रग्स और ये बहुत,
और उसके ऊपर बाबा ने बहुत कार्य भी किया, इसीलिए वो बाद में वो ड्रग्स और ये सब जो है वो ये हो गया, और अदरवाइज आने वाली जो ये थी पीढ़ी वो नष्ट हो जाती। तो बोलते हैं कि आपको रीड गॉड स्पीक्स, उसको भी बताया था भाई रीड गॉड स्पीक्स, क्यों? क्योंकि आपको यह क्षणभंगुर जो जीवन है आपका, उसका रहस्य आपको मालूम पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द लाइफ इफर्मल एंड द ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस इटर्नल, इस शाश्वत अस्तित्व जो है इसका रहस्य समझाने में आपको मदद होगी। दोनों बातें क्यों पढ़ना चाहिए, उसका महत्व बता रहे कि आपको ये इस किस लिए पढ़ना चाहिए। एंड इस जीवन और ब्रह्मांड का मौलिक उद्देश्य क्या है, अपना जीवन और ये सारा यूनिवर्स सारा ब्रह्मांड इसका उद्देश्य क्या है, यह आपको मालूम पड़ेगा अगर आप इसमें से जाओगे गॉडस्मिक्स पढ़ोगे तो। खीर कहते हैं कि रिवील्स दैट ऑल द एक्सपीरियंसेस इवन द स्पिरिचुअल, ये सूक्ष्म जगत का जितना स्थूल जगत कारण जगत का जितना भी अनुभव है, पहला प्लेन दूसरा प्लेन तीसरा प्लेन जो जितना भी है, यह ईश्वर प्राप्त की मार्ग में जो 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 परमात्मा के प्रेमी है जो इस मार्ग से जा रहे हैं, इवन द प्रिंसिपल ऑफ द एस्पिरेंट ऑफ द पाथ टू गॉड रियलाइजेशन आर द डोमेन ऑफ इल्यूजन, ये भी भ्रम के अंदर में है, ये जितने भी है जितने भी है, छठवें प्लेन तक, सातवें में ही कुछ फाइनल है। तो कहना उनका मतलब है कि तुमको इस रास्ते से जाने में युगों और युगों लग जाएंगे, फिर भी आप उसमें सक्सेसफुल होगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, अनलेस आप मेरे पास आओ, सदगुरु या अवतार जो भी है। द्वाबा से दैट द वन एंड द ओनली ट्रू एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रूथ एंड रियलिटी फिनिश, जो सत्य का अनुभव जो है उसी के लिए यह विश्व है, उसी से के लिए हमारा ये लाइफ है, दिस लाइफ जो भी हम जीते हैं, और उसी के लिए यह सारा खटाटोप है परमात्मा का कि हर आत्मा को वह अनुभव मिले, वो अनुभव महत्व का है। और इसीलिए बोलते गॉड्स पीस का महत्व उन्होंने समझा के बाद ये उसका महत्व है। जय बाबा। आगे अपना रेगुलर जो है उसमें भी जाते हैं, ये मेहर बाबा इसके बारे में क्या कहते हैं कि वो किताब के बारे में, वो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, दो आगे में भी और एक्सप्लेन करूँगा, सात आठ और है कि अपने को मालूम पड़े कि जो भी है हिंदी मराठी अंग्रेजी जो भी समझ में आता है उसको पढ़ते रहो, नहीं भी समझा तो भी पढ़ते रहो। आगे में नंबर लास्ट में आए हम लोग, ये है परमात्मा का जीवन व्यतीत करना, लिव द लाइफ ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड इन अवर लाइफ। पर वहाँ तक कितने लोग पहुँचते हैं, कितने आत्मे पहुँचते हैं, सिर्फ 5। इसलिए यह कुतुब या पूर्ण पुरुष कहो या सदगुरु कहो अवस्था में अपनी यह तीसरी ईश्वरीय यात्रा का आदि और अंत करना बहुत बहुत दुर्लभ है। क्या बोलते हैं, बहुत दुर्लभ है। नो, इस ईश्वर और मनुष्य तथा इसे नर नारायण कहा जाता है, नर नारायण गॉड भी है और वो मनुष्य भी है, और वह कैसा है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को अनेकता में वह उतारता है, वो पूरा जो रियल एग्जिस्टेंस जो है जिसको हम रियलिटी ट्रूथ परमात्मा गॉड अल्लाह जो भी हम लोग करते हैं, अनेक अनेक इसमें अनेक नाम से उसको पुकारा जाता है, वो एकता जो है उसको इस अनंतता के अंदर में, इस माया के अंदर में लाने का कार्य जो सदगुरु करते हैं, उसमें से एक जो है वो उनका चीफ होता है। जैसे इस युग के अंदर में जब भी मेहर बाबा थे तो वो कार्य साईं बाबा उपासनी महाराज और बाबा जान ने किया, बाकी के जो सदगुरु है उन्होंने भी किया, पर मेन पार्ट किसका था, इन लोगों का था। और उसको अनेक इसको अनेकता में उतारते, उसने स्वतंत्र सत्य को माया में उतारा है, और जो माया का नियंत्रण अपनी परब्रह्म अवस्था विज्ञान भूमिका से करता है, जिसे मुक्का में मोहम्मदी के दैवी कार्यालय
के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इनका जहाँ से वो लास्ट टाइम जो पहले हमने निकाला था डायग्राम, उसके अंदर में देखो कॉर्नर के अंदर में वहाँ दिया था कि जहाँ से वो कार्य करते हैं सभी सद्गुरु और अवतार, उसको उसको कहा जाता है कि परमात्मा की वह विज्ञान अवस्था है, विज्ञान भूमिका है जहाँ से वो अपना कार्य करते हैं, जो उनका कार्यालय है, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है कि नहीं, वैसे वो परमात्मा का विज्ञान भूमिका जहाँ से वो पूरे अपने कार्य पूरे ब्रह्मांड को इसको संभालते हैं। इस प्रकार से इस नर नारायण अवस्था पूर्ण पुरुष का स्वयं जीवन ही सहज समाधि है। इनका जीवन कैसे थे, इनको एक ही का जो काम है वो उनके लिए बहुत महत्व का रहता है, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि मेरा काम जो है, कार्य जो है वो मेरे से ज़्यादा महत्व का है, और कार्य नहीं होगा तो फिर वहाँ आगे कैसे होगा, ब्रह्मांड का कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा। और ऐसा सद्गुरु जो है, जो कुतुब है, जो पूर्ण पुरुष जिसको कहते हैं, साथ साथ एक ही समय में सभी विश्वों में सभी स्थानों पर सभी भूमिकाओं में एक और सबका सबका जीवन आचरित करता है। मतलब सभी भूमिकाओं में उसका वास है, सभी सभी जितने भी जीवात्मे हैं उनमें भी उनका वास है, सभी आंतरिक प्रवास जितने चल रहा है उन सभी इसमें उनका वास है, और ऐसा है उनका वो कार्य जो है वो विज्ञान भूमिका से चलता है, इन वन एंड ऑल ऐसे उन्होंने लिखा है। और प्रत्येक जीवधारी के रूप में उस खास तथा उस खास भूमिका के व्यक्ति के रूप में वह जीवन व्यतीत करने का भी होता है, वो हर स्टेट में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस स्टेट स्थिति के बारे में, उस स्टेट में पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, इसी प्रकार से उस स्थिति के अंदर में जैसे ही वो आत्मे होंगे उनके उद्धार के लिए उनको उस प्रकार से कार्य करना पड़ता है। और इसे साथ साथ वह ईश्वर का जीवन भी व्यतीत करते हैं और मनुष्य का भी जीवन व्यतीत करते हैं, जो और इसे को कहते हैं ईश्वरत्व, गॉडहुड। मतलब मानव और ईश्वर दोनों का जीवन व्यतीत करना और मानव जाति को एक धक्का देना का कार्य सद्गुरु का होता है। और इसीलिए इस कुतुबियत की इस अवस्था में यह कहा जा सकता है कि परमात्मा गॉड इस गॉडवुड के ऊपर आच्छादित हो जाता है, इस गॉडवुड के ऊपर में इसका जो ईश्वरत्व है इसके ऊपर में परमात्मा आच्छादित हो जाता है, और जिसका अर्थ है कि परमात्मा की चेतना हर चीज में व्याप्त है। वो चेतना हमारे में भी है, वह चेतना उस एंट में भी है, एनिमल में भी है, वह चेतना साधु संत में भी है, ब्रह्मांड में जितने भी एनिमेट एंड इनएनिमेट होंगे उन सब में वो चेतना है, परमात्मा की वो चेतना है, जिसे इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हम कहते हैं, अनंत चेतना। और हर चीज़ में व्याप्त होने के बाद ईश्वर की परमा परात्पर परब्रह्म अवस्था जो है, पहली अवस्था परात्पर परब्रह्म अवस्था, जिसमें परमात्मा ना सगुण है ना निर्गुण है, वो इसका डिटेल वर्णन अपने पहले मैंने किया था, तो वो स्थिति में भी वो है। उसके साथ साथ स्टेट नंबर टू जो है, जिसमें वो अपने को परमात्मा चेतन और अचेतन दोनों कहता है, उसमें भी वो है, अनंत चेतना उसमें भी है, सत बनाए रखती है, और वह चेतना उसी प्रकार से वह चेतना कार्य करके सारे मानव जाति को इंक्लूडिंग परमात्मा को यह अनुभव देती हो कि मैं परमात्मा हूँ। सेवंथ प्लेन के अंदर में परमात्मा इस तरह परब्रह्म अवस्था में नंबर दो में अब भी इनफाइनाइट अनलिमिटेड एंड अनबाउंडेड बनी रहती है। सेकंड नंबर टू में एक जगह कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है, तो ये अनकॉन्शियस परमात्मा जो है उनको कॉन्शियस परमात्मा होना है, तो ये अनकॉन्शियस चेतना है वो कॉन्शियस चेतना होनी चाहिए, इसलिए ये सब डायग्राम में दिया हुआ है। और चौथी यात्रा जो है इसके अंदर में यह कुतुब या सद्गुरु अपना शरीर छोड़ देते हैं, मतलब यह तीसरी यात्रा ख़त्म हो गई, इनका अपना कार्य ख़त्म हो गया सद्गुरु का, कुतुब का जितना भी है, उसके बाद में
उन्होंने बॉडी ड्रॉप करने के बाद में एक नए सदगुरु और बन जाते हैं पांच, पर वो पांच फिगर कांस्टेंट होना चाहिए ऑल द टाइम, वो व्यवस्था उनकी रहती है। और उसके बाद में चौथी यात्रा, मतलब यह अपार परमात्मा जो लिखा हुआ है, अपार परमात्मा सत्यता, इसके साथ में वो विलीन हो जाते हैं। उनका अस्तित्व नष्ट होता नहीं, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक वो रहेगा। मैंने एक डायग्राम में बताया था लास्ट में, सदगुरु और अवतार उस स्थिति में रहते हैं कि जहाँ पे मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में वो वहाँ पे है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, जब तक ये सारा ब्रह्मांड रहेगा तब तक। चौथी जो अवस्था जो है यहाँ पे दिखाई है, चौथी यात्रा का, शरीर छूटने से वो संबंधित है। चौथी यात्रा शरीर छूटने से, अपना शरीर छोड़ देने के बाद भी कुतुब जो है वह चैतन्य रूप से, मतलब कॉन्शियसली और व्यक्तिगत रूप से अनंत परमात्मावत वह बना रहता है। जितने सद्गुरु साई बाबा है, उपासना माता है, रामदास स्वामी है, इन्होंने अपना शरीर कार्य छोड़ दिया पर उनका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ। दे आर वन विद गॉड और वो अभी भी उसी रूप में है। एक जो साई बाबा है वो फिर से साई बाबा होने वाले नहीं है, क्योंकि अभी वो फिर नहीं आएंगे। तुकाराम महाराज है, वो तुकाराम महाराज ही रहेंगे, वो दूसरा तुकाराम नहीं पैदे होंगे। रामदास स्वामी दूसरा नहीं होता है, वो जो हो गए वो वहीं पे है और वो उसी में परमात्मा के उस अनंत चेतना में, अपार परमात्मा में, या अपार परमात्मा में उनका वास है, वो उनका एग्जिस्टेंस नष्ट नहीं होता है। और वह फना फिला की जो अवस्था जो है, इस अवस्था के अंदर में उनका अपना वास रहता है। मैं परमात्मा हूँ कि व्यक्तिगत अवस्था के अंदर में अखंड अवस्था का यह लक्ष्य है। सभी मानव जाति का, सभी जीवात्मा का लक्ष्य क्या है कि सेवंथ प्लेन के अंदर में यह फना की जो स्थिति है, पहली सातवीं भूमिका, परमात्मा में लोप हो जाना। यह वो स्थिति है, जिन्होंने सद्गुरु ने अपने प्राण अवतार में भी अपने प्राण छोड़े होंगे तभी वो उसी स्थिति के अंदर में है। अखंड अवस्था का जो लक्ष्य है का अनुभव उनको सदैव रहता है। ये एवर लास्टिंगली दे एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग। मान लो हमने राम को स्वीकार किया और हम राम की पूजा करते, उनको मानते हैं, वेरी गुड, पर देने का अधिकार अभी किसको है? जो लिविंग परफेक्ट मास्टर और अवतार है वही आपको देते हैं। आपकी प्रार्थना ये ओम बिंदु पे चली जाती है। दुनिया में जितनी भी प्रार्थनाएं अभी होंगी इस वक्त में, वो कहाँ जाती है? वो यहाँ जाती है। और यहाँ से फिर जो लिविंग मास्टर और जो है उनके पास में, उसका एग्जीक्यूशन जो भी करने का है वो उनके पास में जाता है। अभी परमात्मा डायरेक्टली जो मानव रूप में है, यहाँ पे सद्गुरु और अवतार जो पांच रहते हैं और एक अवतार, उनका वो कार्य रहता है कि अभी इसको आगे प्रोसेस करिए। इसीलिए आप प्रेम से, पूरे दिल से और अत्यंत अत्यंत ऑनेस्टली अगर आप परमात्मा का नाम लेते हो या परमात्मा या मानव जाति को निस्वार्थ सेवा करते हो जिसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो आपको उस जन्म में या उस धरती के ऊपर जो भी परमात्मा या सद्गुरु होगा उसके साथ में आपको कनेक्ट कर दिया जाता है। आप किसी भी धर्म के हो, पंथ के हो, आप किसी सद्गुरु को मानो, ये मानो, एवरीथिंग सब कुछ ठीक ठाक है, ओके है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो उनका अनुभव जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, पर वो यूनिवर्स के कारोबार में वो दखल नहीं देते। कहने का मतलब ये है, चौथी यात्रा के शरीर अथवा मनुष्य योनि छोड़ देने के बाद में भी वह चैतन्य अविभाज्य और व्यक्तित्व का अनुभव शाश्वत रूप से, मैं परमात्मा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं अनंत हूँ, अपरिमित हूँ, आई एम वन विद गॉड, बिना किसी दूसरे के अद्वैत हूँ, सदा बना रहता है। इट इज ऑलवेज जो है ये बना रहता है, ये नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता, नेवर। ये फुटनोट है, उसको पढ़ते हैं उसके बाद में बंद कर देते हैं।
पूर्णता के बारे में बाबा ने इसके ये जब चल रहा था उसने ईश्वर के रूप में ईश्वर के संबंधित नहीं होती और ना मनुष्य के रूप में मनुष्य. गॉड एज ए गॉड इज नॉट ए परफेक्ट. गॉड एज गॉड नॉट परफेक्ट. मैन एज मैन नॉट परफेक्ट. फिर मैन एंड गॉड जब फ्यूज हो जाते मतलब एक मैन से मिल जाते हैं तभी ही वह पूर्णता आती है. वॉट इज दैट पूर्णता. इसीलिए कहते कि ईश्वर के रूप में ईश्वर के संबंधित नहीं होती और नहीं मनुष्य के रूप में मनुष्य के संबंध में नहीं होती. मैन एज ए मैन सीमित प्राणी जिसे अपने सीमित होने की चेतना प्राप्त होती है. हमको सीमित होने की चेतना प्राप्त है. परमात्मा को मैं अनंत हूँ यही चेतना है. पर दोनों जब एक साथ आ जाती है तभी पूर्णत्व होते हैं. दैट आई एम गॉड एंड आई एम मैन बोथ नर नारायण. और इसीलिए स्पष्ट रूप से यह दोनों अपूर्ण हैं. किंतु जब आपको अनंत परमात्मा के साथ एक हो जाते हो तो वह चेतना होती है तब वह पूर्ण होती है. जब चेतना दोनों फ्यूज हो गए तो वह चेतना जो है वो अभी पूर्ण हो गई है एक रूप हो गई है और आपको वह अनुभव आता है. बाबा कहते हैं इस सीमित अहम अपनी सीमाओं को लांघ के आगे जाता है और वो अनंतता का अनुभव साक्षात्कार उसे होता है. हमारी चेतना यहाँ हमने इसे डिटेल बहुत देखा है. यहाँ चेतना यहाँ से आगे आगे बढ़ते बढ़ते जब इस स्थिति में जाती है तभी हम परमात्मा से फ्यूज हो जाते एक रूप हो जाते हमारा मिलन हो जाता है बोलो जो भी है. और हमने अपने जो अज्ञान है उससे हम पार चले गए हम अपने इससे आगे चले गए. अथवा जब अनंत आत्मा अपनी कल्पक पृथकता त्याग देती है हमारी पृथक हम सोचते ही है कल्पना ही करते थिंकिंग. जब भी थिंकिंग बंद हो गया मन अपना कार्य बंद कर दिया और आपने माइंड स्टॉप इज गॉड. बाबा कहते हैं माइंड स्टॉप इज गॉड. मनुष्य और त्याग देती है और मनुष्य बन जाती है. हम मानव तो है पर हम परमात्मा और मानव दोनों बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है उसके बारे में कहते हैं. ये दोनों दशाओं में सीमित और असीमित एक दूसरे के बाहर स्थित नहीं रहती. जब एक हो जाती है तो ऐसे नहीं है कि अभी सीमित इसके बाहर में अनलिमिटेड के बाहर है. लिमिटेड एंड अनलिमिटेड दोनों फ्यूज हो गए. अभी जब सीमित और असीमित का आनंदमय एवं चैतन्य मिश्रण होता है फ्यूज बोलो या चैतन्य मिश्रण हो जाता है तब हमको पूर्णता प्राप्त होती है. ये सद्गुरु जितने भी है यह पूर्णता में है. इन्हें वह चेतना प्राप्त हो गई है. दैट आई एम गॉड आई एम मैन. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा.